नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं NOS के अंतर्गत DED का रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन इसके पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि NOS का जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके निर्देश और नियम आप पहले पढ़ लें, समझ लें, NOS की साइट पर चले जाएं, वहाँ पर देख लें, इसके बाद ही DED करें। क्योंकि ये मूलतः जो NOS करवा रहा है, नेशनल इंदिरा गांधी ओपन विद्यालय या स्कूल, तो ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जिनको 2019 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वैलिड रहेगा। ये वर्ग 1, 2, 3 गवर्नमेंट वैकेंसियों के लिए वैलिड नहीं है, ऐसा उसके नोटिफिकेशन में है। बाकी आप डिटेल जानने देखने के लिए NOS की साइट पर जा सकते हैं और उनकी कणिकाएँ देख सकते हैं। आज हम देखते हैं उसका फॉर्म सबमिट कैसे करें कि ऑनलाइन हम फॉर्म घर बैठे ही सबमिट कर पाए। तो आज मैं आपको बताता हूँ आसान से स्टेप में आप NOS का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। NOS का फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको URL यानी या तो ब्राउज़र आप क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोर जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आप गूगल सर्च करें और गूगल पर सर्च कर सकते हैं NOS। वैसे NOS की साइट भी है, लेकिन आपको जैसे सही याद नहीं रहती है तो आप टाइप कर सकते हैं NIOS। NIOS जब टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल। इसे आप क्लिक करें, यहाँ पर आप स्क्रॉल से नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर आपको DED प्रोग्राम ऑप्शन मिल जाएगा। यह है NOS DLED फॉर अनट्रेंड टीचर, इसे आप क्लिक करें। यहाँ पर फॉर टीचर के लिए वेरिफिकेशन प्रिंसिपल वगैरह ये अलग ऑप्शन है, तो यहाँ पर फॉर टीचर रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसे क्लिक करें। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, इफ़ यू नाउ द यूडाइस ऑफ यूअर स्कूल, यदि आपके पास यूडाइस उस कोड है तो आप इसे क्लिक करें, और यदि नहीं है तो क्लिक रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें। तो यदि जैसे हमारे पास नहीं है तो हम इसको रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं। साथियों, इस बीच में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी टोटल फीस 6,000 रुपये है, जिसमें 4,500 रुपये आपको ऑनलाइन पे करने होंगे और 1,500 रुपये इसका जो ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लेंगे तो उसका DTH चार्जेस भी है, ऑनलाइन एजुकेशन का फीस चार्जेस है। तो यहाँ पर ये फॉर्म खुल गया है जिसमें हमें ये सारी फील्ड है जो मैंडेटरी हैं इनको फिल करना है। तो यहाँ पर ये आपको पूरी डिटेल फिल करना है। यदि स्कूल लिस्ट में नहीं आ रहा तो आप बाहर से स्कूल का नाम डाल सकते हैं, आधार कार्ड नंबर डालें, आपका पासवर्ड यहाँ पर बनाना है, सेम पासवर्ड यहाँ पर बना करके आप इसे सबमिट कर दीजिए। इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो आपको आधार कार्ड यहाँ पर डालना होगा।